आप सभी का सुभाष्तर साइंस क्लासेस में स्वागत है। आपके सामने आज हम मुख क्रिया के थ्री फॉर्म्स लेकर के हाजिर हैं, यानी थ्री फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब। आज का टॉपिक है थ्री फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब। सबसे ऊपर हेडिंग क्या पढ़िए, पढ़ो थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। हाँ, प्रत्येक वर्ब के तीन रूप होते हैं, प्रत्येक वर्ब के तीन रूप होते हैं, तीन फॉर्म होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो कौन कौन से फॉर्म हो गए? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो उस समय आप देखेंगे मुख क्रिया का सेकंड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसे पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। अब अगला है आपका थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? थर्ड। इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों के परफेक्ट टेंस में ये रूप प्रयोग में आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें मुख क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। आइए देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, कुछ वर्ब हमने लिखी है, इसको तीन रूपों में इसकी स्पेलिंग क्या होती है आपके सामने। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहली वर्ब हमने क्या लिखी है? डू। क्या लिखा है? डू। ये सहायक क्रिया मत समझ लेना, ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। डू मीन्स करना, डू मीन्स करना। डू फर्स्ट फॉर्म, जब इसका सेकंड फॉर्म होगा तो डिड होगा। क्या होगा? डिड। डू से डिड हो जाएगा। और फिर थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? डन। थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? डन। तो डू डिड डन, डू डिड डन, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म। अगला एग्जांपल देखिए, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पानी पीते हैं ना, तो ड्रिंक, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? डी आर आई एन के, ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स पीना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, डी आर आई एन के फर्स्ट फॉर्म, डी आर ए एन के ड्रैंक सेकेंड फॉर्म और डी आर यू एन के ड्रंक थर्ड फॉर्म। तो तीनों रूप क्या हो गया? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। यहाँ देखो, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रैंक, ड्रंक, तीनों रूप हो गए, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अगला एग्जाम्पल है खाना। खाना खाते हैं ना, ईट। क्या खाते हैं? ईट लिखते हैं ना, ई ए टी, ईट। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? ईट। स्पेलिंग क्या होगी? ई ए टी, ई ए टी। अब सेकंड फॉर्म देखो, ए टी ई, एट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ए, ईट, एट, ईटन, ई ए टी, ईट, ए टी एट, ई ए टी ई एन, ईटन। तो ये हो गया आपका ईट, एट, ईटन, ये थर्ड फॉर्म। ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकेंड फॉर्म और ईटन थर्ड फॉर्म। अगला एग्जांपल आपका गिव। गिव मीन्स देना, गिव मीन्स देना। गिव, गेव, गिवेन, गिव, गेव, गिवेन, फर्स्ट फॉर्म गिव, सेकेंड फॉर्म गेव और गिवेन थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गोन, अक्सर ट्रांसलेशन में आता है, गो, वेंट, गोन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड। फर्स्ट फॉर्म जहाँ उपयोग करना है गो लिखेंगे जाने के लिए, सेकेंड फॉर्म जहाँ उपयोग करना है वहाँ वेंट लिखेंगे और थर्ड फॉर्म जहाँ लिखा जाना है वहाँ पे गोन लिखेंगे, जी ओ एन, ठीक है। अब अगला है मेक। मेक मीन्स बनाना। मेड सेकेंड फॉर्म, मेड, मेक, मेड, मेड, मेक, मेड, मेड। हाँ, फर्स्ट फॉर्म में मेक है,
सेकेंड और थर्ड दोनों एक जैसा है, मेड मेड। अब आपका है रीड, मतलब पढ़ना, रीड रीड रीड, ठीक है ना। इसका तीनों फॉर्म लगभग एक सा, रीड रीड रीड। अगला आपका राइज, उठना जागना या उदय होना। राइज फर्स्ट फॉर्म, राइज रोज राइजिन, राइज रोज राइजिन। जैसे सो के उठते हैं या सूर्य उगता है उदय होता है या उगता है निकलता है, इसका राइज आता है। राइज पहला, राइज रोज राइजिन, राइज रोज राइजिन। अगला है आपका रन रैन रन, रन फर्स्ट फॉर्म आर यू एन रन, सेकेंड फॉर्म में आर ए एन, और थर्ड फॉर्म में भी पहले वाला जैसा आर यू एन। तो हो गया रन रैन रन, रन रैन रन। अगला एग्जांपल है आपका वीप, मतलब रोना, रोने का डब्ल्यू डबल ई पी, वीप मीन्स रोना फर्स्ट फॉर्म। वेफ्ट डब्ल्यू ई पी टी, डब्ल्यू ई पी टी सेकेंड फॉर्म वेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी वेफ्ट। तो वीप वेफ्ट वेफ्ट, वीप वेफ्ट वेफ्ट। तो कहने का तात्पर्य है जब आपको परफेक्ट टेंस पढ़ना है तो उसमें आपको मुख्य क्रिया के ये तीनों फॉर्म आपको आने चाहिए, तभी आप ट्रांसलेशन सही कर पाएंगे। इसीलिए हमने बीच में ट्रांसलेशन रोक करके आपको सबसे पहले मेन वर्ब्स के फॉर्म्स बताना जरूरी समझा, ताकि आप ट्रांसलेशन करते समय मुख्य क्रिया का कौन सा रूप है। थर्ड फॉर्म आपको पता है कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगना है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो थर्ड फॉर्म लगना है उसमें उसका क्रिया का रूप क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे रीड आपको पता है, ठीक है, आपको ईट पता है, ठीक है ना, वॉक पता है आपको, वीप पता है, लेकिन थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म भी आपको साथ के साथ पता होना चाहिए। तो इस तरीके से इसे आप ध्यान रखेंगे, और आगे वाले लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट जो मुख्य क्रियाएं हैं उनके थर्ड फॉर्म नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो लाइक सब्सक्राइब वेल आइकन और शेयर प्लीज़।